भगवान श्री राधा कृष्ण से कैसे एन केन प्रकार अवतार के बारे में बताया है। कोई कहते हैं 10 अवतार है, कोई कहता है 20, कोई कहता है 24, कोई कहते हैं संत कहते हैं हरे अनंत हरे कथा अनंता भगवान के एक नहीं अनेक अवतार है। लेकिन इस संसार में भगवान एन केन प्रकार इस धराधाम पर आते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। तुलसी बाबा ने भी बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है कि जब जब होई धर्म की हानी ओ जब जब होई धर्म की हानी जब जब होई धर्म की हानी जब जब बाढ़ी असुर असुरों का जब बोलबाला जब अधिक बढ़ जाता है तो भगवान एन कैन प्रकार संसार में आते हैं। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा भगवान एक नहीं कई प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। क्यों? भगवान अन्याय को नहीं देखते हैं। इस धराधाम पर भगवान कौन कहता है गर्भ में नहीं, भगवान एक बार नहीं, भगवान तो गर्भ में कई बार गए हैं भक्तों के कारण। इसलिए भगवान को भक्तों की दक्षी वृंदावन जाऊंगी घुमेरे उठे घुमेरे उठे मेरे की खीर सखी वृंदावन जाऊंगी Yeah.
भगवान का समाप्त करने के लिए भगवान मोहिनी का रूप धारण, स्त्री का भी रूप भगवान ने धारण किया। भगवान इसे एक बार मारूं या पांच बार मारूं या जल में डुबा दूं या अग्नि में जला दूं, आप मुझे बताइए। पांडव पूछ रहे हैं भगवान क्या कहते हैं कि ब्रह्म हतो हाता तप्यम हाता ताई वदहारण
ममे भोव मया नास्तम परमाघ्नोन शासन। ब्राह्मण चाहे कितना भी अधर्मी हो, ब्राह्मण चाहे कितना भी पापी हो, लेकिन ब्राह्मण को मारना महापाप है। दूसरी वाणी में क्या कह रहे हैं भगवान, छोटे छोटे नन्हे अबोध बालकों को मारने वाले को छोड़ना भी महापाप है। महाराज पांडव भ्रमित हो गए, इतने में भीमसेन ने तो कह दिया महाराज हमारे परिवार में दुख आया है, और आप तो दुख में महाराज हम तो पागल हो रहे हैं, लेकिन पूरा पागल आपने कर दिया है। कहीं कहते हो मारना नहीं चाहिए, कहीं कहते हो छोड़ना नहीं चाहिए, ये कैसा न्याय है। बोले अर्जुन को पागल कर दिया है। लेकिन महाराज भगवान कहते हैं मेरी एक एक वाणी के लिए महाराज समझते हैं। उसी क्षण में महाराज अपनी शिविर से तेज रूपी मणि के लिए निकाल दिया, और अर्जुन ने मारा नहीं, धक्का दे करके ब्राह्मण को शिविर से बाहर निकाल दिया। बद्धो ध्यान देना, ब्राह्मण की मृत्यु क्या है, अगर ब्राह्मण सब को सहन कर लेते हैं लेकिन ब्राह्मण का अपमान हो गया, ध्यान देना। जीवन में आप सब कुछ करना, भगवान के श्राप से भी बच जाओगे, अगर ब्राह्मण ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया तो भगवान भी नहीं बच पाए। धक्का दे दिया, महाराज अश्वत्थामा के देश रूपी अग्नि प्रकट हो गई। बोले अब मैं पांडवों में कोई एक भी वंश के लिए नहीं चलने दूंगा। उसी क्षण में महाराज ने अभिमन्यु महाराज के जो धर्म पत्नी उत्तरा है, पर पाहे पाहे महायो विपति प्रभु से। बोले मैया सब कुछ अच्छा है, जिस काम के लिए मैं आया वो काम भी हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सबसे बड़ा दुख तो यहां पर ये है कि मैं अपने राम जी का नाम नहीं ले रहा हूं। यहां पर मैया भजन नहीं हो रहा है, सब कुछ खाने को फल मिल रहे हैं, जिस काम के लिए आया वो काम हो गया, लेकिन मुझे यहां पर मेरे राम जी का भजन नहीं हो रहा है। तो बंधो जिस पल में जिस घड़ी में भगवान का भजन नहीं होता वो सबसे बुरी घड़ी होती है, उससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं है। तो भगवान का खाते पीते उठते बैठते भगवान का नाम स्मरण जी तत्रम भवतम व्यास पत्रो यदि अचा कामष्टमानो अतये नविच्छ अलंगलिंगो जितलाभतुष्टो प्रत्यक्षवाले रवदूतवेश। भगवान सुखदेव जी महाराज सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो Thank you.
Thank you.
भगवान के सामने ही पुष्प छोड़े इधर में
एक परिक्रमा ले लीजिए। ओम भूर्वस्वाये तीर्थानि वजन्ति स्वाहसानि गंगणाते काहुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसी। भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, जो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वराय यत्पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु मे। पापहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्रायमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। बोलिए भागवत भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो। कार्यों में सद्भाव ना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। श्री वेद भगवान की जय हो। बस्ती मैया की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। सुखम कार्य कार कर। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर कार्य कर। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सभी लोग आरती लें बड़े भाव के साथ।
Thank you.
शिव विरुञ्चुणित